अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं हूँ हस्बे मामूल आज की डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं 26 अप्रैल 2020 के। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन व्हिच डेट? ऑप्शन ए 24 अप्रैल, बी 25 अप्रैल, सी 26 अप्रैल, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा सी, 26 अप्रैल। यानी आज के दिन जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। दिस इवेंट इज क्रिएटेड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इन 2000 टू अवेयरनेस ऑफ हाउ पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स एंड डिजाइंस इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ। क्वेश्चन नंबर 2, द गेस्टापो वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 26 अप्रैल 1933। इट वॉज एन ऑफिशियल सीक्रेट पुलिस फोर्स ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए नाजी जर्मनी, बी सोवियत यूनियन, सी ग्रेट ब्रिटेन, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा ए, नाजी जर्मनी। इट वॉज अ सीक्रेट पुलिस फोर्स ऑफ नाजी जर्मनी विच वेल नोन फॉर इट्स टेररिस्ट मेथड्स इन द हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 3, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्ह वॉज डाइड ऑन 26 अप्रैल 680। ही वॉज फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी? ऑप्शन ए अब्बासीद, बी उमैयाद, सी फातिमीद, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है बी, उमैयाद। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्ह रूल्ड फ्राम 661 to 680, अबाउट 30 years। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुज नेम appeared on coins, inscriptions or the documents of the nascent Islamic Empire. Question number 4, according to recent report on 24 April 2020, how many criminals were sentenced to death in Pakistan in 1 year through the model courts? Option A 874, B 875, सी 876, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा ए, 874। डेथ पेनल्टीज अवॉर्डेड ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2019 to 13 मार्च 2020, 2616 प्रिजनर्स वर अवॉर्डेड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ मॉडल कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन ए साकिब निसार, बी सुहेल नासिर, सी गुलजार अहमद, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा बी, सुहेल नासिर। ही इज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। देयर आर 442 मॉडल कोर्ट्स इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान बीकेम द फर्स्ट कंट्री टू गेट G4 रैंक इन विच रीजन? ऑप्शन ए एशिया, बी साउथ एशिया, सी यूरेशिया, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है बी, साउथ एशिया। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ICT रेगुलेटरी आउटलुक 2020, पाकिस्तान हैज़ बीन रैंक्ड एज अ फोर्थ जनरेशन रेगुलेटर G4 बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन? ऑप्शन ए जेनीवा, बी लंदन, सी बर्लिन, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा ए, जेनीवा। इट इज ओरिजिनली नोन एज इंटरनेशनल
Telegraph Union, and it is one of the United Nations specialized agencies that is responsible for issues that concerns information and communication technologies. It is the oldest global international organization. Question number 8, how many member countries of International Telecommunication Union? Option A, 193, B, 194, C, 196, D, none of these. तो इसका सही जवाब होगा C, 196. It was founded on 17th May 1865 and its membership is opened for all UN member countries. Question number 9, who is current Secretary General of International Telecommunication Union? Option A, Holen Zhao, B, Hamaun Tor, C, Jeff Benes, D, none of these. तो इसका सही जवाब है A, Holen Zhao. He is Chinese national and assumed his charge on 23rd October 2014. Question number 10. Prominent Pakistani Olympian wrestler Haji Muhammad Afzal died on 22nd April 2020 due to COVID-19 in which city? Option A, New York, B, London, C, Paris, D, none of these. तो इसका सही जवाब होगा A, न्यूयॉर्क. ही वॉज एज्ड 81 ईयर्स हु रिप्रेजेंटेड द कंट्री एट द 1964 टोक्यो ओलंपिक्स वेयर ही वॉज रूल्ड आउट. द देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान गेव the title of Sher-e Pakistan to him. तो सदर अयूब खान ने इसको जो है हाजी मोहम्मद अफजल को शेर-ए पाकिस्तान का लकब भी दिया था. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. कल मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. रहिए हमारे साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.